ये देखिए गाइस, कितनी बड़ी मकड़ी है, मकड़ी घर, बहुत बड़ा जाल है, कितना बड़ा जाल, बिल्कुल परफेक्ट जैसे स्पाइडरमैन का होता है ना, वैसे कितनी बड़ी है, कूद के आ जाए वो, बहुत बड़ा जाल बना रखा है। तो हम लोग आए नाइट वॉक के, रात से ही वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं अपना ब्लॉग, और इसमें सुन रहे हैं गाने। कमेंट करके बताना ये क्या है। अगर तुम साथ हो, गाना नहीं आता, बेसुरी आवाज। मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा। तुम साथ हो, सुरीली है ना, बताना कमेंट करके, है ना सुरीली है ना, क्या बोल रहे थे, कौवे को भी लगता है। मैं कौवी हूँ, कोयल हूँ, मैं कोयल कूकती हूँ, मैं कूक काव काव नहीं करती। जा रहे हैं घर, और मैं गाने सुन रही हूँ मस्त मस्त, जा रहे पीछे और दोनों चल रहे हैं। The next day. हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। तो ये है ब्लॉग का डे टू। वैसे आप लोगों को पता है, मैंने रात को ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, जब हम और नाइट वॉक करने गए थे खाना वाना खा के, तभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा कुछ रहता नहीं है तो मैं क्या रोज़ रोज़ दिखाऊँ। तो लेकिन जो भी है फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ, जो भी आज पूरे दिन में होगा आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पे। अपना सपोर्ट बनाए रखिए और लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। तो बने रहिए मेरे आज के वीडियो पे, ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। क्योंकि अभी हो 9:30 होने वाले हैं, 9 बजे ये चले गए ऑफिस, और पूजा वगैरह सब कर गए हैं, देख लीजिए। 8 बजे पूजा कर दी थी, और बच्चे वगैरह भी सो रहे हैं, अभी दोनों सो रहे हैं अभी, क्योंकि उन लोग लेट उठने की आदत है ना, 10 बजे तक ही उठेंगे। फिर देखते हैं क्या क्या करते हैं पूरे दिन, आप लोगों से शेयर करेंगे। और आप लोग बताना आप लोगों की दिवाली की शॉपिंग वगैरह सब कैसे चल रही है। मेरा तो अभी ऐसे ही डामाडोल चल रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि अभी इनकी तबीयत भी आप लोगों को पता ही खराब ही है, हॉस्पिटल, दवाइयाँ, तो क्या क्या, बस टेस्ट, ये इन्हीं में ही दिन निकल रहा है और इन्हीं में ही सब कुछ खर्चा हो रहा है। तो अभी शॉपिंग वॉपिंग क्या, अभी तो मेरा लोग बनी रही है। और आपकी बहुत बहुत दुआएं थी मेरे हस्बैंड के लिए, जो कि वो अब ठीक है पहले से। तो चल, थक गई गाइस, अभी आई हूँ पहाड़गंज से, सामान रखा है, आके बैठी हूँ, थक गई। फ़ोन वगैरह लेके नहीं जाती मैं मार्केट, क्योंकि मुझे डर लगता है मैं फ़ोन खो देती हूँ, बहुत सारे खो चुकी हूँ, इसलिए मार्केट फ़ोन लेके नहीं जाती, बहुत कम लेके। तो ये उठ गया और उस भी, ये तो खैर काफ़ी देर का उठ गया था, मैं चली गई थी नाश्ता वगैरह करा के। 7 बजे से उठा रहा हूँ, मुझे पता है 7 बजे उठा था, क्योंकि मैं भी 7 बजे उठी थी, तो तू उठा हुआ था ना। 7 बजे में 6-7 ऐसी जब मंदिर नहीं बजा था, एक अंधेरा मंदिर नहीं बजता कभी। मंदिर में वो मंदिर कहाँ बजता है, मंदिर में घंटियाँ बजती है। अबे वो कुछ गाँव घंटियाँ बजती है, बहुत आंटियाँ थी यहाँ पे, कीर्तन होता है सुबह सुबह एकदम 4-5 बजे एकदम। हाँ, तब का उठा हुआ था मैं, बार बार ना एक ही चीज मुझे एक ही चीज दिख रही है। क्या, जब मंदिर की घंटियाँ बज रही होती है कीर्तन, तो भूत कहाँ से आएंगे सुबह सुबह। फिर मैं वही तो बोल रहा, मंदिर की घंटियाँ बज रही है, कोई नहीं, मैं ऐसे पता ये भूतों से डरता है। भूत बहुत डरावने होते हैं, डरावने होते, ओ भाई इसको पता है पीछे गाएंगे कैसे, हॉन्ट का बजाए वो कैसे, किसी जगह पे चले जाओ। हाँ। वो नमक लेके जाओ, नमक ऐसे बिछा दोगे ना। हाँ। तो अगर वहाँ पे भूत होगा भी ना। हाँ। तो वहाँ पे छापे पड़ जाएंगे नमक पे टांगोगे। नहीं, मैं नहीं मानता, भूत देखा तूने, अगर बहुत तेज आवाज होगी ना, हाई पिंच आवाज को बिल्कुल बहुत तेजी चलाओगे। हाँ। तो भूत को गुस्सा भी आ सकता है। अच्छा,
तूने भूत को देखा है? तेरा दोस्त है भूत? अच्छा, हमको सिखा रहा है। कमजोर होते हैं। कह रहा है भूत ना कमजोर होते हैं इंसानों से। भूत होते हैं? हाँ। नहीं होते? होते हैं, भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। तूने देखा भूतों को? एक मैग्नेट हो, मैग्नेट में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? हाँ। ना पॉजिटिव पॉजिटिव मिलाओगे तो समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? नहीं होता, है ना? पॉजिटिव नेगेटिव मिलाओगे तो चिपक जाते हैं। अच्छा। तो उसमें पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव। तो जैसे वो भगवान है ना, वो पॉजिटिव है, और जो भूत होते हैं नेगेटिव होते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। अगर एक मैग्नेट है, वो पॉजिटिव है, तो उसका दूसरा नेगेटिव मैग्नेट भी तो होगा। अंशु बताएगा। तूने भूत देखा है? ये देखो, उड़ता पंछी। भूत देखा है? ये क्या है? निकल लिया वो। भूत देखा तूने? ज्यादातर भूत होता कब दिखते हैं? एक बीमारी होती है। कौन सी? एक तो स्लीप पैरालिसिस होता है। अच्छा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अच्छा, तो पक्का ये डॉक्टर बनेगा या तांत्रिक बनेगा, बताना आप लोग। या साइंटिस्ट बनेगा? या तो ये साइंटिस्ट बनेगा या डॉक्टर बनेगा, और या ये तांत्रिक बनेगा, तंत्र मंत्र विद्या। हाँ। तो ये भूतों को मानता है, ये बनेगा तांत्रिक, तंत्र मंत्र विद्या है। भूत होते हैं? होते हैं। देखो, अगर भगवान है, भगवान पॉजिटिव है तो भूत भी है, भूत नेगेटिव है। अच्छा। अगर पॉजिटिव मैग्नेट है तो नेगेटिव भी तो होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव। गुड गाइस, कमेंट करके जरूर इसकी बात। मौज मस्ती बातें शाते बहुत हो गई, अब कर लेते हैं थोड़ा सा घर का काम काज। इसको तो बस चीज, पैसे दे दो, चीज दे दो, पैसे दे दो, चीज दे दो। क्या जब हम स्कूल जाते हैं तब तेज टाइम भी पैसे लगता है, एक वो मतलब धीरे एक घंटा स्कूल जाना इसको पसंद नहीं है। स्कूल जाते हैं तो इसका टाइम जल्दी बीतता है और धीरे बीतता है। और कह रहे हैं ऑनलाइन दिन के बाद जब घर में छुट्टियां होती है तो बड़े जल्दी दिन बीत जाते हैं। ऐसा ही होता है, सबके साथ होता है, सबके साथ ऐसे होता है, आपके साथ भी होता है ना गाइस, बताना। क्योंकि जब हम वर्क करते हैं तो टाइम बड़ा देर से खींचता है, कब खत्म हो, कब खत्म हो। और जब हम खाली बैठे होते हैं, मतलब छुट्टियां होती है, तो दिन जल्दी जल्दी बीत जाते हैं, रेस्ट का टाइम होता है। चलो, इनकी बातें पूरे दिन चलती रहेगी तो हम लोग कर लेते हैं रेस्ट। और मैं आपको दिखाते चोर, चोर मेरे पर्स से पैसे चुरा रहा है और चीज खाने के लिए। पिटाई कर दूंगी, वापस रख वापस। ये देखो अंशु के चूल्हे छोटे छोटे, ये देखो चूल्हे बनाए हैं इसने, छोटे छोटे दिखाती हूँ। ये किस चीज के चूल्हे हैं? चूल्हे चूल्हे मतलब क्या खबर है? सैनिटाइजर लेवा, थोड़ा सा डाल ले और आग लगा देगा, उसके ऊपर मटका रख देगा। घर में आग लगाएगा क्या? और ऐसे करेंगे, इनके ऊपर मटका रख देगा, उसमें चावल बताओ। ये चूल्हा बनाया है, सूखे चावल, पानी भी नहीं, सूखे चावल रख के बोल ले, चावल पक जाएंगे, खाऊंगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अंशु गंदी बात नहीं करते हैं, घर में आग लग, ये जरूर आग लगाया घर में। आपको पता है ये सच में इनमें जलता भी है, और इनमें सैनिटाइजर है ना। ये ना यूट्यूब पे वीडियो देख देख के उल्टी सीधी ना ये हरकतें घर में करते हैं, है ना? यूट्यूब में देखा है ना? नहीं, खुद बनाया है। ये वीडियो देख देख के उल्टी सीधी हरकत करते, सैनिटाइजर आग जल्दी पकड़ता है, ये हरकतें मत कर, आपको पता है जल जाओगे। सैनिटाइजर ना ऐसे डाल दोगी ना, थोड़ा सा आग लगोगी ना, तो जो आग होती है ना, जितनी गर्म होती है ना, बहुत ठंडी हो जाती है। ये डेंजर होता है अंशु, नहीं करना है, बता रही हूँ। और पैसे रख रख मेरे पर्स में, पैसे निकाले इसने, रख। कोई चिंगम नहीं खानी, रख। बताऊँ अभी पागल आग लगा, ये तो पूछ लाती है, चाटा चाटा, जितनी बार बोलूंगी पूछ लाएगी। क्या कह रहा है? जी ललचा रहा है, भूख लग रही है, तो भूख लग रही है तो अभी खाना बनाऊंगी, और ज्यादा जल्दी है तो वहां देख डब्बे में चिकन रखा है, खा ले। गाइस ये करेगा काम घर का, क्योंकि अभी सारा काम हुआ नहीं है, लेट हो गया आज। तो ये हम, अच्छा तो ये दे, ये देखो चेंज कर रहा है, पहले वाला थोड़ा सा एक बंद हो गया था। दे अब मैं इसमें गाने सुनूंगी, ये थोड़ा अच्छा है, इसकी लाइट ये बहुत अच्छा है। ये सॉन्ग सुनने है तो सॉन्ग सुनेगा? हाँ, ला दे, मैं भी काम करूंगा। तो गाइस कैसा लग रहा है कान में? अच्छा लग रहा है ना? देख मैं भी काम करूंगा। तो ये मेरे साथ हेल्प कर रहा है, काम कर रहा है। एक उसने लगा रखा है लेफ्ट वाला, मैं दिखा लेफ्ट वाला, मैं नहीं करूंगा काम। और ये रहा, और मैंने लगा रखा है राइट। मैं करूंगी किचन में काम, ये करेगा रूम में काम,
तो हम दोनों गाने सुनते रहेंगे मजे से, है ना अंशु? अरुष ये तो डफर है, डफर अपना ट्यूशन का, दीदी भी देखेगी ये ब्लॉग, ट्यूशन का काम नहीं करता है ये, ट्यूशन का काम कर ले दीदी वरना पिटाई करेगी तेरी। काजल इसको मार ना करे, काम ना करे तो ठीक है, मैंने वीडियो में भी बोल दिया है, डफर है ये डफर। देखिए गाइस मम्मी कैसे वो झाड़ू लगा रही है, तेज तेज गाने सुन रही है, तानी कैसे गाने हैं जो समझ ही नहीं आ रहे गाने, मुझे तो और डर लगा इन गानों से, कैसे गाने हैं, कैसे गाने हैं? आपको सुनाई कैसे दे भाई, एक सेकंड, इतना तेज बोल रहा हूँ क्या मैं? तो गाइस मैं दिन में सो गई थी, काम वगैरह सारा कर लिया था, लंच वंच मैंने खा लिया था, मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, तो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी, और मैं ये देखिए पत्ता गोभी लेके बैठी थी तो ये पूरी खराब सी हो गई, अब मुझे दोबारा सब्जी लेने जाना पड़ेगा नीचे। चलो ये पूरी ना खराब सी हो रही है, रखी हुई थी ना तीन चार दिन की, अंदर जितना पत्ते खोल रहे ना अंदर खराब है, तो डर लगता है। पत्ता गोभी से वैसे भी डर लगता है कि कहते हैं इसमें लंबा सा एक कीड़ा होता है जो कि मरता नहीं है और दिमाग में घुस जाता है, तो मैं बड़ा देख के काटती हूँ ऐसे पत्ते खोल खोले काटती हूँ, तो ये ना ये खराब हो रहा है, तो मैं इसको गाय को दे दूंगी नीचे और नई सब्जी लेकर आऊंगी। चलते हैं, सब्जी का काम हो गया, ट्यूशन का काम हो गया, 7 बज रहे हैं, 8 बजे ट्यूशन जाना है, और जल्दी से पापा ने ली थी सब्जी लेके, ठीक है ये ले लिए मैंने, गोभी जो खराब सी हुई थी इसको नीचे गाय को रख देंगे, दिखेगी तो गाय रही, गाय माता है, इनको मैं दे देती हूँ ये गोभी, मुझे तो डर भी लगता है, अरे बापरे एकदम से आ गई और इसके अंदर गोभी अटकी रह गई। ये लो देखो ये पन्नी गाय के लिए सेफ नहीं होती और खा रही है गोभी गाय माता, डर भी लगता है मेरे को तो, बड़ा वाला है ये, दे देती हूँ आगे, 80 रुपए किलो, ये दो तोल दो, ये देखना ये भी तोल के कितना हो रहा, सारा गोभी ले लेती हूँ, सब्जियाँ कुछ समझ में नहीं आती क्या लूँ, लगे हाथ मैंने प्रेस पे शर्ट डाली हुई थी वो भी ले ली है प्रेस से कपड़े, और गोभी ले ली, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या सब्जी लूँ, अंशु गोभी के पराठे बोल रहा था तो उसको गोभी के पराठे बना दूंगी और आलू गोभी की सब्जी। जानवी चला रही है पटाके, चला के दिखा बंदूक चलाई, फिट कर दिया पटाखा इसने, ओह ये तो चला ही नहीं, अच्छा इस पटाखे आवाज ही इतनी थी, ये तो पिट्टू निकला, तुम क्यों डर रही हो, हाय हाय कौन करेगा क्या, चलो बाय बाय कर दिया, हाय नहीं कर रही है, आ गई हूँ घर पे मैं, और ये था मेरा आज का ब्लॉग, तो कमेंट करके जरूर बताना ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा वीडियो को, ज्यादा शेयर कर देना, तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, जब तक के लिए बाय, क्योंकि अब मैं जाऊंगी खाना बनाने, और बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग था, आप लोग शेयर कर देना और सपोर्ट कर लेना, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।